नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, क्राउन का ये गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम बताते हैं कि क्राउन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम दिल्ली सल्तनत शुरू करने वाले थे, तो आइए हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब देखिए ये दिल्ली सल्तनत है, कब से कब है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। अब इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट शासक हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, और इसको मामलुक सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और इसका गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, तो इसके चूँकि वे गुलाम थे इसलिए इनको, इसके वंश को गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक था, इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि सल्तनत काल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। ठीक है, इसके बाद देखिए गोरी का जो भतीजा था, जब गोरी मर गया तो उसने इसको दास मुक्ति पद प्रमाण देकर गुलाम से मुक्ति दे दी। ठीक है, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद मर गया। ठीक है, तो इसके बाद अब इल्तुतमिश शासक बने। आइए देखिए, इल्तुतमिश को चिकन बहुत पसंद था। ये एक ट्रिक है, ये चिकन जो है चंगेज़ के खां के लिए है। ठीक है, चौ से चिकन होता है, चौ से चंगेज़ खां, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए कुछ काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ये आप देख लीजिएगा, कुतुब मीनार बनवाया था, और किसके याद में बनवाया था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही उसने कुतुब मीनार बनवाया था, और इसने ढाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, जो मैंने बताया था कि वो एक मंदिर था, संस्कृत महाविद्यालय था, उसी को तोड़ के उसके ऊपर एक मस्जिद बनवाया था। ठीक है, वो भी बनाया था। चौगान या पोलो खेल रहा था, जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, उसी खेलते हुए में गिर के ये इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो था आराम से गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको हटा दिया और खुद शासक बना। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था भाई? तो इल्तुतमिश को ऐबक ने अहिल्याबाड़, ये गुजरात में है, इसके युद्ध में उसने खरीदा था। ठीक है, ये भी एक इल्तुतमिश था, ऐबक का एक गुलाम ही था, लेकिन इसका ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी थी, तो ये इसका दामाद भी था। ठीक है, इल्तुतमिश सस्मी वंश का था और इलबरी तुर्क था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था, तो ये इल्तुतमिश ही था, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसने दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। अगर कोई पूछे कि दिल्ली को किसने सर्वप्रथम राजधानी बनाया सल्तनत काल में, तो इल्तुतमिश ने बनाया, क्योंकि ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनवाया था। ठीक है, इसने तुर्काने चहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का गुट, या 40 गुलाम अमीर सरदारों का गुट एक बनाया था। वो क्यों बनाया था? ये चाहता था कि ये जो 40 थे ये हमारे वंश का जो है मतलब शासन का संरक्षण करेंगे, मतलब इल्तुतमिश का बेटा या उसका कोई भी वंशज अगर राजा बनता है तो उसकी ये लोग रक्षा करेंगे और उसको राजा बनने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सुल्तान बनने में सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए इसने बनवाया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये चंगेज़ खां इसके काल में आक्रमण किया था। ठीक है, और इसने एकता व्यवस्था लागू की। एकता व्यवस्था कौन लाया था? तो देखिए ई से इल्तुतमिश होता है और ई से एकता व्यवस्था भी होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग याद कर लेंगे कि इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लाया था। ठीक है, अब देखिए ये कुछ पॉइंट है, मैंने टिक लगाया है उसको, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुधर भी सिक्का चलाया था और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। हौजे खास बदायूं में हौजे खास बनवाई, ये बदायूं वाला हौजे खास है। ठीक, एक दिल्ली में भी है, तो ये बदायूं वाला वो बनवाया था, इल्तुतमिश बनाया था, दिल्ली वाला कोई और बनवाया था। ठीक है, अब देखिए ये कैसे मर गया, तो बामियान में युद्ध हो रहा था, उसमें बीमार हो गया, वापस आया तो मर गया इसका। इसके बाद इसका जो इसका जो बेटा था उसको मतलब राजा बनाया गया, लेकिन उस कुछ दिन के बाद उसको तुर्की सरकार ने बगावत कर बहराम से को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद रजिया सुल्तान इसकी बेटी जो थी वो राजा बनी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, मतलब स्त्री शासिका। आगे बढ़ते हैं, देखिए मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कुतुब मीनार कौन शुरू किया था? ऐबक शुरू किया था, उसके बाद इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया, और फिरोज़शाह तुगलक जो है ना चौथा मंजिल को तोड़ के चौथा और पाँचवा बनवाया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और याद ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी था ये भी इसका मरम्मत करवाया था, ठीक है, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसका रेलिंग वगैरह का मरम्मत करवाया था, ठीक है। तो ऐबक भी संबंधित है कुतुब मीनार से, इल्तुतमिश भी संबंधित है, फिरोज़शाह तुगलक भी, सिकंदर लोदी भी संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ये आप थोड़ा रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, और इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है ये नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है नसरुद्दीन महमूद। इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसके काल में हाँ नसरुद्दीन महमूद इसलिए पढ़ना है, इसी काल में जो बलबन का उदय हुआ था, ठीक है। तो इसके काल में बलबन ने अपने सभी शक्ति अपने हाथों में ले ली, और इसके बाद बलबन कुछ दिन के बाद जब ये मर गया तो उसके बाद शासक बना था, ठीक है। अब देखिए इसमें बलबन के बारे में दिया गया है, बलबन का थोड़ा राजा तो सिद्धांत हम समझ लेते हैं। बलबन का कहना था कि राजा को ना अपने मतलब जनता या इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होता है कि एक बातचीत ज़्यादा करने लगे तो राजा का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए वो एक ना राजत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है। उसका कहना था कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है, मतलब उसको ईश्वर से अधिकार मिला है शासन करने का, ठीक है। और दूसरा उसका जो राजत्व का सिद्धांत था उसका कहना था कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है उसके दरबार में, वह दरबार में नंगी तलवार लेकर बैठता था और वो जब भी कोई हंसता था तो उसका गला काट देता था, ठीक है। तो उसके दरबार में एकदम हंसना वगैरह सब कुछ मना था, वो बहुत सीरियस होकर दरबार में बैठता था। और उसका एक नीति और था, उसका कहना था कि अगर कहीं भी विद्रोह होता है तो आप उसके ना सरदार को पकड़ के उसको सरेआम फांसी दे दो या उसकी हत्या कर दो, उससे क्या होगा कि आसपास के जो भी विद्रोही होंगे ना तो वो शांत हो जाएंगे। अगर जैसे मैं मतलब समझाता हूँ आपको कैसे, ये मान लो जैसे यहाँ पे विद्रोह हुआ, तो इसमें देखो कि चारों में से सबसे बड़ा नेता कौन है, तो मान लीजिए इस चारों में इसका नेता सबसे बड़ा था, तो इसको पकड़ो और उसके बाद इसको ला के सरेआम चौराहे पर फांसी दे दो, इससे क्या होगा कि ये तीनों विद्रोही अपने आप शांत हो जाएंगे, इसका ये भी एक सिद्धांत था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये इसने ना सईदा और पाबोस जैसी परंपराएं चला शुरू की जो आगे मुगल काल तक चलेंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति, वही अभी मैंने आपको बताया था टॉलेस्ट पपीज की नीति, मतलब चार पांच विद्रोही हैं तो उसमें सबसे बड़े विद्रोही के नेता को पकड़ के आप उसको उसकी हत्या कर दो तो वो सारे विद्रोही अपने आप शांत हो जाएंगे, ये था। अब बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की, इसको दीवाने आरियत कहा गया। देखिए जो जो स्थापना करेगा ना उसका थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा विभाग का स्थापना किया, आगे एक जगह सारा मिल जाएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, अभी फिलहाल आप पढ़ लो इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद खिलजी वंश आया, ठीक है। खिलजी वंश में कौन किसको किसको पढ़ना है, जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ लेना है, ठीक है। जो पॉइंट मैंने चिन्ह निशान किया है वो आप थोड़ा टिक लगा लीजिएगा, जिसमें ये पिन मारा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अमीर खुसरो, हसन दहलवी, ये इसके दरबार में रहते थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खिलजी वंश का सबसे इम्पोर्टेंट शासक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इतने बलबन के लाल महल में अपना अभिषेक कराया था, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसी का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने दक्षिण भारत को जीता था और कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त किया था, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत, सबको बलबन ने भी अपना राजत्व सिद्धांत दिया था, अलाउद्दीन ने भी अपना राजत्व सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसका कहना था ना कि सुल्तान पद की स्वीकृति मतलब ना खलीफा से लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, और उसने उसका कहना था कि इस्लाम मतलब शासन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के आधार पर ही शासन किया जाए, शासन को ना धर्म से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कहना ये था। अब देखिए इसमें ना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ये गुप्तचर विभाग का फिर से संगठित किया, उसके लिए
मतलब उसको जाना जाता है। अब देखिए ये जो था कुछ उसका विभाग है, ठीक है, ये दीवाने वजारत, इसका इसको मतलब वजीर या मुख्यमंत्री होता था, दीवाने इसे शाही आदेशों का पालन करता था, दीवाने आदेश इसका सैन्य मंत्री था, दीवाने रसातल विदेश विभाग था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, याद नहीं हो तो कम से कम एक दो बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। लगान व्यवस्था कैसा था ये इसके बारे में बताया, सैनिक व्यवस्था कैसा था ये दोनों। देखिए ई न केंद्र में सबसे बड़ा एक अस्थायी सेना रखा था जिसको नगद वेतन देता था, ठीक है। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन सा चीज़ लाया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था लाया, घोड़ों को दागने की व्यवस्था। जैसे होता क्या था ना कि मान लीजिए कोई सैनिक है तो वो क्या करता था कि खुद बहाल होता था लेकिन खुद लड़ने नहीं जाता था, अपनी जगह पर किसी और को भेज देता था। इसलिए उसने हुलिया लिखना प्रारंभ किया कि कोई भी सैनिक ना, अगर योग्य सैनिक है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा सैनिक ना लड़े, ठीक है। तो एक्चुअल सैनिक जिसको वेतन दिया जा रहा है वही आकर सेना में काम करे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और है, 1 मिनट। हाँ एक चीज़ और है, ये घोड़े को दागने की व्यवस्था। जैसे होता क्या था कि मान लीजिए जब घोड़े की गिनती हो रही है तो सेना में बहाली जब होता था तो दो तीन टाइप के सैनिक होते थे, कुछ घोड़े वाले सैनिक होते थे, कुछ बिना घोड़े वाले सैनिक होते थे, कुछ ऐसे सैनिक जिसको हथियार और घोड़ा वगैरह राज्य प्रोवाइड कराता था, कुछ ऐसे होते थे जिनके पास घोड़ा और हथियार दोनों होता था, वो भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो उनको वेतन दिया था। जैसे मान लीजिए एक घोड़ा है, उसको कोई सैनिक ले गया और उसका उसने लिखवाया कि मेरे पास एक घोड़ा है और मैं एक सैनिक हूँ, आप मेरा बहाली कर लो, तो वो उसका नाम लिख लिया गया, ठीक है। अब होता क्या था, एक ही घोड़े को 40 आदमी 50 आदमी भी जाके नाम लिखवा देते थे। तो इससे क्या होता था, जब एक्चुअल तौर में युद्ध में आवश्यकता पड़ती थी तो उस समय घोड़ा मिलता ही नहीं था, पता चला कि सैनिक तो बहुत हैं लेकिन घोड़े नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही घोड़ा को सबको ले गया। तो इसीलिए क्या किया जाता था, घोड़े पे निशान बना दिया जाता था कि इस घोड़े का काउंटिंग हो गया है, अब इस घोड़े को कोई दोबारा आदमी नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। अब देखिए अलाउद्दीन का ये ना बाजार व्यवस्था बहुत फेमस है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर सल्तनत वगैरह से क्वेश्चन बनता है तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। और ये बाजार व्यवस्था किस लिए लाया था, ये चाहता था ना कि सैनिक को जो हम वेतन दे रहे हैं तो सैनिक को वेतन कम दे रहे हैं तो उसी में सैनिकों को अच्छा, मतलब उनके सारे जो भी वस्तुएं हैं उसी वेतन में हो जाए पूरी, इसलिए वो चाहता था कि मतलब बाजार में वस्तुओं का मूल्य ना बढ़े। अब देखिए अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किया, ठीक है। कपड़ा के लिए अलग, मवेशी के लिए अलग, जहाँ अनाज मिलता था उसके लिए अलग, ठीक है। और सबके लिए ना एक एक अधिकारी भी नियुक्त किया, ठीक है। अब देखिए कौन सा अधिकारी था, अधिकारी है देखिए, ये बाजार नियंत्रण के लिए ये अधिकारी हैं चार। दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण, सहनाए मंडी बाजार अधिकतर, सराय अदल न्याय के लिए, स्वयंवरीद मंडी बाजार निरीक्षक, मुहियांस ये गुप्तचर था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, देखिए मैंने टिक भी लगाया है, इसको याद करना है। अब देखिए बहुमूल्य वस्तु, अगर कोई सोना चांदी हीरा वगैरह खरीदना चाहता है तो उसको पहले दीवाने रियासत से आज्ञा लेना पड़ेगा, तभी मतलब वो खरीद पाएगा, ठीक है। अब कुछ और अन्य फैक्ट दिया गया है, जैसे देखिए ये है कि अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा निर्माण कराया, सीरी नामक शहर बसाया, हौजे अलाई तालाब बनाया, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया, ठीक है। अब देखिए उसने उसने डाक व्यवस्था लागू की, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका अंतिम अधिनियम जो था परवाना नवीस था, ठीक है, परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उसका अंतिम काम था चूँकि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसके बाद राजा बना था, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला ये पहला सुल्तान था, ठीक है, ऐसे करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक। और इसके बारे में कुछ दिया, स्त्रियों के नग्न स्त्री पुरुष के संगत पसंद था, और इसके बाद वो मर जाता है। अब ये इसके बाद तुगलक वंश आए, ये बहुत फेमस है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें गयासुद्दीन तुगलक इसका स्थापना किया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा शहर बसाया, कैसे कैसे हमने दिया, देखिए चिश्ती जो संत थे निजामुद्दीन औलिया, उसके उसके उनके साथ इसका संबंध जो था ना वो सही नहीं था, क्योंकि हुआ क्या था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक
कहीं से आक्रमण करके बहुत सारा धन लाया था, तो वो उसने निजामुद्दीन औलिया को भी बहुत सारा धन दिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि वो संत मतलब सारा पैसा राजकोष में जमा करा दें। तो इस उसी समय निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि पहले तुम दिल्ली तो लौट के आओ, तब ना हमसे मांगोगे ये मतलब इतना सा ये जो धन दिए हो वापस। तो उसके बाद ये गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुँचा ही नहीं, रास्ते में ही वो महल गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और वो समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक देखिए इसको ना हम पगला तुगलक भी कहते हैं। जे क्यों? क्योंकि ना ये बहुत फालतू फालतू काम करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, आप इसको काउंट करना, ये वाला 1 2 3 पहले दुआब में कर वृद्धि। दुआब मतलब क्या? जो हमारा ये उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है उसमें कर बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, यहाँ से दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, देवगिरी ले गया। ठीक है, और एक और काम किया था, ये अमीरे को ही मतलब कृषि विभाग का स्थापना किया था, तो उसके लिए इसको भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो काम यहाँ पे हो गया। अब तीसरा काम देखिए, सांकेतिक मुद्रा चलाया, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चौथा खुरासान अभियान, अफगानिस्तान को जीतना का योजना पढ़ाया लेकिन कार्य रूप में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद पाँचवा क्या था? अब देखिए ये कुराइचिल अभियान, कुराइचिल कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के आसपास के पहाड़ी के क्षेत्र में होता। क्या था कि जो विद्रोही थे वहाँ जाकर छिप जाते थे, तो वहाँ से मतलब ये अभियान कर किया। लेकिन अभियान क्या हुआ कि सेना तो गई बहुत बड़ी, 50,000 के आसपास सेना गई, लेकिन लौटे तो मात्र 1,000 सैनिक बचे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा धन की भी क्षति हुई और बहुत ज़्यादा मनुष्य भी उसमें हताहत हुए, मतलब उसके सैनिक भी हताहत हुए। तो इसलिए इसकी पाँच योजनाओं को के कारण इसको पगला तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पगला तुगलक। अब देखिए एक चीज़ और है, ये जो सांकेतिक मुद्रा लाया था ना, ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ना भविष्य का व्यक्ति था जो वर्तमान में पैदा हो गया था। ठीक है, मतलब उस समय पैदा था, इसको बाद में पैदा होना चाहिए था, लेकिन ये गलती से अपने सल्तनत काल में पैदा हो गया था, इसलिए इसको भविष्य का व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करूँ। हाँ, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक, ये क्या था? इसका भतीजा था। अब इसके बाद आएगा तो इस ये कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये जौनपुर नगर भी बसाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हाँ, जौनपुर नगर बसाएगा। ठीक है, किसकी याद में? तो वही फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, तो ये चचेरा भाई था लेकिन बहुत अच्छा ही लोगों में पढ़ता था, तो ये अपने भाई की याद में मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया। ठीक है, ये भी कुछ काम किया था, थोड़ा सा इसको हम ध्यान करेंगे। तकावी ऋण दिया था, तकावी ऋण माफ़ कर दे, तकावी ऋण होता क्या था ना कि जैसे खेती करने के लिए मतलब कुछ अग्रिम धन दे दिया जाता था, उसको तकावी ऋण कहा जाता था। ठीक है, कुछ सिक्का वगैरह चलाया था, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये सिंचाई व्यवस्था अच्छे से किया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत प्रसन्न था, जिसकी स्थापना उसने की थी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो था ना, ये थोड़ा कुछ अच्छा अच्छा काम किया था, जैसे दीवाने खैरात एक विभाग स्थापित किया था, जिसमें क्या होता था, मुसलमान अगर अनाथ स्त्रियां हैं विधवा, उसको आर्थिक सहायता दिया जाता था। एक खैराती अस्पताल भी खोला था, दारुल उलसफा, इसमें क्या होता था, फ्री में इलाज होता था। ठीक है, और ऐसे करके, और देखिए गुलाम ना, इसके समय में गुलामों की संख्या बढ़ गई थी, कहा जाता है कि 1,00,000 के आसपास गुलाम हो गए थे, तो इसके लिए एक दीवाने बंदगान वो विभाग की भी स्थापना किया था। ठीक है, अब देखिए ये कुछ किताबें हैं, ये आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे मिलेगा एक लिस्ट, उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सा आप याद करो। देखिए सैयद वन, अब देखिए हाँ ये वाला मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, नसरुद्दीन महमूद। क्यों? कि ये ना इसके शासन काल में तैमूर लंकन ने आक्रमण किया था। देखिए महमूद का मुंह है ना, जो मुंह ये तैमूर को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका नोमरोलॉजी है नसरुद्दीन महमूद और तैमूर लंक। ठीक है, तो ये इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था ये थोड़ा डेट भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सैयद वंश, सैयद वंश में कोई नहीं था, एक ही शासक हुआ था और वो छोटा सा, इसका ज़्यादा उतना कार्यकाल भी नहीं है, मात्र 30-40 साल का कार्यकाल है। तो खिज्र खा इसका संस्थापक था। ठीक है, और
वह तैमूर के पुत्र शाहरुख को निरंतर भेंट भेजता था, मतलब उससे डरा हुआ था और उसके अधीनता को स्वीकार किया था। अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। खुतबा होता क्या है, खुतबा बेसिकली होता था कि जब मस्जिद में नमाज होता था ना, तो उसमें राजा का नाम बोला जाता था, ठीक है, उसके नाम से मतलब इबादत किया जाता था, उसी को खुतबा कहा जाता था। तो ये शाहरुख के नाम से ही खुतबा करवाता था, ठीक है, अपने नाम से खुतबा नहीं करवाया। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब देखिए वो उसके बारे में कहे, मुबारकबाद एक शहर बसाया था, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कोई बात नहीं है। देखिए हाँ, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, यहया सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया और उस समय तारीख़ मुबारकशाही ये इसने लिखा था, ठीक है। और ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से इतिहास दिया गया है सल्तनत काल का, इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिए लोदी वंश, ये अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। अब देखिए बहलोल लोदी उसका स्थापना किया था, मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य है ये, ठीक। द्वितीय अफगान राज्य कौन किसका है, शेरशाह सूरी का, ठीक है। प्रथम लोदी वंश अफगान राज्य कोई कहेगा तो, और दूसरा अगर कोई पूछे अफगान राज्य कौन था तो शेरशाह सूरी वाला, ठीक है। अब देखिए बहलोल लोदी स्थापना किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अफगानों की महत्वपूर्ण दशाओं के संबंधित था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था बिहार दरोगा में कि आगरा नगर किसने बताया था, ESI में शायद पूछा था ये कि आगरा नगर किसने बताया था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, ठीक है। और थोड़ा ये क्रूर शासक था और ब्राह्मणों के प्रति मतलब थोड़ा सा क्रूर था, क्योंकि इसने जजिया लेना भी शुरू किया था और मंदिर वगैरह भी बहुत सारा तोड़ा था, ठीक है। और देखिए यहाँ लिखा है, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसने मांस उसके टुकड़े को मांस तोलने के लिए कसाई को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इब्राहिम लोदी, यही इसका अंतिम शासक था, ठीक है। इसी का युद्ध बाबर से होता है, बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसमें यह हार जाता है और हारने के बाद बाबर जब जीत जाता है तो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत में। और कहा जाता है कि इसके जो बाबर को आक्रमण करने के लिए कौन बुलाया था, दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार था, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, वो ये दोनों मिल के बुलाया था। तब भी बाबर भारत पर नहीं आ रहा था आक्रमण करने, लेकिन जब यहाँ से एक मिनट, कौन थे वो, राणा सांगा थे कि कोई थे, एक मिनट में बता रहा हूँ कौन सा था, जो शायद राणा कुंभा या कोई था, उसने जब दोबारा बाबर को बोला कि आप आओ भारत पर आक्रमण करो, तब वो दोबारा भारत पर आक्रमण करने आया, ठीक है। और ये आया इब्राहिम लोदी को हरा दे, इब्राहिम लोदी का प्रथम, इसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा युद्ध किसके, पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ, और तीसरा युद्ध जो था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ना इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गया, लोदी वंश यहाँ से समाप्त हो गया और दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा के पटियाली जिले में, वही मुलायम सिंह वाला एटा जिला है, ठीक है। और इसका पूरा नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, कुल 9 सुल्तानों का शासन देखा था, 7 को सुल्तानों का शासन तो ये देखा ही था और 9 को सुल्तानों का शासक, 7 को सुल्तान ये अपने गुरु के साथ देखा था और खुद 9 सुल्तानों का शासक देखा था, ठीक है, शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, अमीर खुसरो खड़ी बोली का विकास किया, ठीक है, और इसने काव्य शैली में सबक ए हिंदी ग्रंथ की रचना की, ठीक है। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया, वह समय खुद को तोता ए हिंद कहता था, ठीक है। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया, तो सितार का जनक कौन था, अमीर खुसरो, ठीक है, सितार का जनक कौन था, अमीर खुसरो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए BTS हम क्यों लिखे हैं, ये बीना होता है, ये तंबूरा, इससे बना एस, एस मतलब सितार, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे अच्छे से। अब देखिए कौन कौन सा इसमें बुक याद रखना है, ये ना थोड़ा सा, ये जितना अधिकारी वगैरह है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये वाला याद करना है, ये भले ना याद हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है,
इम्पोर्टेंट कि कौन से दीवाने बजारत, वित्त विभाग, दीवाने राजस्व विभाग स्थापना कौन किया था? बलवन, यहाँ मैंने लिख दिया है। दीवाने मुफ्त कराए, राजस्व विभाग कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने ऐसा पत्राचार विभाग, दीवाने रसद और विदेश, मतलब कुछ विभाग पहले से चले आ रहे थे लेकिन कुछ नया बना था, जैसे दीवाने खराद फिरोज शाह तुगलक, ठीक, दीवाने अमीर कृषि विभाग, मतलब अमीर है को ही कृषि विभाग तुगलक स्थापना किया था। दीवाने बंदगान ये कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये गुलामों के लिए था। इस टाइप का ये वाला आपको एकदम याद करना ही करना है किसी भी हाल में, ठीक है, ये याद कर लेना। कर व्यवस्था, ये कर व्यवस्था में कब कितना टाइप, पांच टाइप का कर होता था। उस्र मुसलमानों से लिया जाता था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खसम ये लूट, खसम मतलब लूट नहीं कहा जाता है, लूट खसोट, खसोट लूट खसोट कर मचा के रखे हो तो वही खसम, मतलब लूट खसोट वाला मतलब लूट से प्राप्त धन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, 1/5 भाग सुल्तान रखता था, 4/5 भाग सैनिक अधिकारियों को में बांट दिया जाता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक जो था वो 4/5 भाग स्वयं रख लेता था, ठीक है, बाद में इसको बढ़ा दिया था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए जकात क्या होता है, मुसलमानों पर धार्मिक कर होता है, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो दिया है इसको नहीं याद करना है, ठीक है। अब देखिए इकता व्यवस्था कौन लाया था, ये तो हम जानते हैं, इल्तुतमिश लाया था, मैंने बताया था इकता का ये, इल्तुतमिश का ये इकता व्यवस्था वही लाया था, ठीक है। अलाउद्दीन के समय इकताओं के जो उसका आय था उस पर अपना नियंत्रण रखा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और बहुत सारा जो इकता था उसको मतलब उसका सरकारीकरण भी किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने एकता को प्रथा को दोबारा शुरुआत की, ठीक है, मतलब ये एकता प्रथा को समाप्त कर दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कोई अगर पूछे कि एकता व्यवस्था लाया कौन, तो इल्तुतमिश। समाप्त कौन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा कौन शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इल्तुतमिश लाया उसको, ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी उसको समाप्त किया, फिर उसके बाद दोबारा शुरू किया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये रतीबी गैर रतीबी, इसमें ये कारखाना होता था ना, तो दो टाइप का कारखाना, रतीबी इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को निश्चित वेतन दिया, गैर रतीबी यहाँ काम के अनुसार, मतलब जो जितना काम करता था उसके अनुसार धन। इसमें क्या होता था, मंथली वाला सिस्टम होता था, ठीक है, और कारखाने का देखभाल करने के लिए एक अधिकारी था उसको मुतशरिफ कहा जाता था, ठीक है, बस ये। अभी आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, कल हम लोग प्रांतीय राज पढ़ेंगे, इसमें कुछ जौनपुर वगैरह है, कश्मीर वगैरह है, थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा कश्मीर के बारे में बता देता हूँ। देखिए कश्मीर में कुछ नहीं था, पहले हिंदू शाही राज्य था, और यहाँ सुहादेव नाम का एक शासक था, उसने हिंदू शाही वंश की स्थापना की, बाद में यहाँ मुसलमान आक्रमणकारी आए और वहाँ पर इन्होंने अपना राज्य कायम किया। उसके बाद सिकंदर शाह एक शासक हुआ, ये बहुत ही क्रूर था, लेकिन इसका जो बेटा हुआ वो बहुत मतलब उदार था और धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, इसका नाम था जैनुल आबादीन, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक, अभी पहले पीछे भी पढ़ा था गुलरुखी नाम से वो सिकंदर लोधी लिखता था, तो वैसे ही ये भी लिखता था कुतुब नाम से कविता। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, ठीक है। मूल्य नियंत्रण बाजार व्यवस्था कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया, लेकिन अकबर इसको जीतता है कब? 1586 ईस्वी में, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर को पहला बार कौन जीता, तो अकबर जीता, सल्तनत में कोई नहीं जीता, अकबर ने 1586 ईस्वी में इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब देखिए जौनपुर के बारे में मैंने बताया ही था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां के याद में इसकी स्थापना की थी। जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां, ठीक है, तो उसी के याद में इसका स्थापना की। बाद में जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने किया? मलिक सरोवर, मतलब बाद में एक वहाँ वो हिजड़ा था, उसने इस पे कब्जा करके और वहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अब फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें जो सल्तनत का लुसेंट में लुसेंट एमसीक्यू
मैं सल्तनत लगा लीजिए, ठीक है, सल्तनत का पूरा एमसीक्यू लगा लीजिए। क्राउन, क्राउन में सबसे पहले दो बार इसको पढ़िए, ठीक है, उसके बाद लूसेंट एमसीक्यू लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी आपको ध्यान आ जाएगा और आगे चल के आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों होता है आदमी, अगर आपके पास जब भी आपका दिमाग कंफ्यूज होता है किसी उस तरीके का फैक्ट में जहाँ मतलब थोड़ा लगता है कि आपको याद करने का ज़रूरत था लेकिन याद करने से भी काम नहीं चलेगा जब तक इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो वहाँ कन्फ्यूज कर जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी ट्रिक बनाए हैं उसको वहीं क्राउन में लिख दीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कि ये अभी पॉइंटर मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो पॉइंटर के लिए अभी चिंतित नहीं होना है। पॉइंटर अपडेट होने गया है, कुछ दिन में आ जाएगा, दोबारा अपडेट होके आएगा तो और अच्छा बात है, हम लोग थोड़ा अच्छा सा लेटेस्ट डाटा पढ़ेंगे। तो अभी पॉइंटर अपडेट होने दीजिए, अभी आप लोग सिर्फ क्राउन और लूसेंट एमसीक्यू ही लगाइए। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।